तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के अंदर हम भीम SBI एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। भीम SBI एप्लीकेशन होता क्या है, उसको कैसे यूज करते हैं, उसके क्या फायदे होने वाले, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं अपना हमारा चैनल, तो शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इसका फायदा देखेंगे। फ्रेंड्स, मान लो अगर आपके पास 2, 3, 4, 5 जितने भी बैंक अकाउंट हो, तो सारे बैंक अकाउंट को आप इस एप्लीकेशन के जरिए कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हम सारे बैंक अकाउंट का बैलेंस एक साथ चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इस एप्लीकेशन के माध्यम से सारे बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकेंगे घर बैठे। अगर हमें ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करना हो, तो इस एप्लीकेशन के जरिए हम एक मिनट के अंदर अंदर अपने फ्रेंड को पैसा भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करने की लिमिट एक दिन में 1 लाख रुपीज है, मतलब कि हम एक दिन में 1 लाख रुपीज तक पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं हमारे फ्रेंड को। जैसे ही आप पैसे ट्रांसफर करोगे, तो सामने वाले बंदे को सिर्फ 2 या 3 सेकंड के अंदर अंदर पैसे मिल जाएंगे। और भी इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है, वो आपको इस वीडियो के अंदर दिख जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी फायदा हो सके, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का एम रखते हैं 50 लाइक का। मुझे मालूम है कि आप 50 लाइक तो खरीदोगे। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना होगा और यहाँ पर सर्च में भीम SBI पे डालना होगा। उसके बाद इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से जाकर भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इस एप्लीकेशन को हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर और नेम आपको डालना होगा। मोबाइल नंबर में आपका मोबाइल नंबर डालना होगा, जो मोबाइल नंबर आपका बैंक में रजिस्टर हो। फ्रेंड्स, याद रखना, अगर आपके पास रजिस्टर मोबाइल नंबर नहीं है, तो आप इस एप्लीकेशन को यूज़ नहीं कर पाओगे। तो आपका जो मोबाइल नंबर बैंक में रजिस्टर है, वही नंबर यहाँ पर डाल देना। उसके बाद नीचे नेम में आपका नाम डाल देना। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर बैंक नेम आ जाएगा। बैंक नेम पर क्लिक करने के बाद अगर आपका कौन सा भी बैंक अकाउंट हो, तो बैंक अकाउंट पर क्लिक कर देना। अगर आपका SBI का बैंक अकाउंट हो, तो SBI पर क्लिक कर देना। अगर आपका एक्सिस हो, HDFC हो, कौन सा भी बैंक अकाउंट होने दो, आप इसके साथ काम कर सकते हो। तो यहाँ पर SBI में सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बैंक नेम, जो आपका बैंक सिलेक्ट किया है, उसका नेम यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद आपका अकाउंट नंबर दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर एंटर UPA, यहाँ पर आपको एक UPA बनाना होगा। UPA बनाने के बाद आप एक दूसरे को पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करना चाहते हो, तो आपको UPA बनाना ही होगा। अगर कोई मेरा दोस्त मुझे पैसा ट्रांसफर करेगा, तो मेरा UPA ID वो उसके एप्लीकेशन में डाल देगा और मुझे पैसा ट्रांसफर करेगा। बिना UPA के आप पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते। हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपको क्रिएट ऐप पिन, मतलब कि जो आपका सॉफ्टवेयर होगा, उसको अनलॉक करने के लिए एक पिन लगेगा, एक पासवर्ड लगेगा, वो पासवर्ड यहाँ पर डाल देना। 6 डिजिट का आपको पासवर्ड यहाँ पर बनाना होगा, जो भी आपके ध्यान में हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी आपके ध्यान में पासवर्ड रहेगा, वही पासवर्ड यहाँ पर बना लेना। 6 डिजिट का पासवर्ड लगेगा, एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये पासवर्ड आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद री एंटर ऐप पिन, फिर से वही पासवर्ड यहाँ पर रिराइट कर देना। उसके बाद आपका ईमेल ID यहाँ पर डाल देना। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन में जो आपको आंसर अच्छे से आया हो, वो यहाँ पर आंसर डाल देना, ताकि जब भी आप अपना पासवर्ड भूल जाए, तो इसकी मदद से हम पासवर्ड फिर से ला सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर जो भी आंसर होगा वो डाल देना। उसके बाद एक मैसेज आएगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन, योर UPI रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुली, मतलब कि जो भी आपका UPI है, वो सक्सेसफुली यहाँ से बन चुका है। उसके बाद स्किप एंड साइन इन पर क्लिक करने के बाद आप फिर से आपका ऐप ID रहेगा, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो आपने अभी बनाया है 6 डिजिट का, वो डाल देने के बाद आपका SBI Pay एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। उसके बाद पे में जाकर सामने वाले बंदे का UPI ID जो भी होगा, UPA एड्रेस, वो उसमें डालने के बाद जितनी भी अमाउंट है वो डाल दो, फिर ऑटोमेटिकली सामने वाले बंदे को पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे आपके बैंक अकाउंट के जरिए। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आया पैसे ट्रांसफर करने में, तो नीचे कमेंट जरूर करना, क्योंकि मैं हर कमेंट का आपका जल्द से जल्द रिप्लाई दे दूंगा। उसके साथ साथ आप मुझे फेसबुक पेज पर भी मैसेज कर सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करो, मैं हर आपके मैसेज का रिप्लाई दे दूंगा। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।